हाय। सो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कोटेशन सिस्टम के बारे में, कोटेशन से पीआई एंड द पीआई से ऑर्डर कन्फर्मेशन। सो बेसिकली आप देखेंगे मैं अपना एक कोटेशन जनरेट कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे मैंने नाम सेलेक्ट किया स्मार्ट आईटी बॉक्स, रेस्ट डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोटेशन नंबर ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में लेटेस्ट कोटेशन नंबर आ रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए और डबल क्लिक करके यहाँ से आप डेट उठा सकते हैं। लाइक डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर एक्टिव हो जाएगा एंड वो डेट ले लीजिए। पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स डिफाइन कर दीजिए। लाइक मेरी पेमेंट टर्म ये है एंड डिलीवरी लाइक विद इन 4 वीक्स। सो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, तो लाइक अगर आपको आर्टिकल का नाम याद है तो आर्टिकल का नाम डाल दीजिए, एल्स आप अगर आप ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करना चाहें तो ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बैकएंड में हमने मास्टर डेटा कनेक्ट किया हुआ तो उससे सारा ड्रॉप डाउन पर आपका अपडेट होकर आ जाएगा। लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, तो आप क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे सारे चेक पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हट गए राइट, और यहाँ पे लोडिंग शुरू हो गई है रीड करने के लिए। आप कहते हैं कि मैं इसमें 4% का डिस्काउंट भी दे दूंगा एंड जो बेसिकली फ्रेट चार्जेस लगेंगे वो इतने लगेंगे, तो आपका फिर से सारा अमाउंट अपडेट होके आ गया राइट। लाइक गाइस विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 30 सेकेंड्स आप कोटेशन बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और क्लाइंट को मेल चला जाएगा। बट इससे पहले एक पॉइंट भी है कि यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है अपलोडिंग सपोर्टिंग्स का। अपलोडिंग सपोर्टिंग इन द सेंस ऑफ कि जब जिस चीज़ की उसने रिक्वायरमेंट की है उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल या कैटलॉग शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपने अपलोड क्लिक किया, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेयर कर रहे हैं तो मैं बेसिकली पहले एक इमेज शेयर कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइन में, तो मैंने इमेज पर क्लिक किया, इमेज मैंने अपलोड कर दिया इस पर, तो इमेज जा जाएगा मेरा और इस कोटेशन के रेफरेंस में क्लिक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन सेकेंड मैं एक और दूसरा कोई कैटलॉग या सपोज कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेकंड इमेज है, इसमें आप पीडीएफ इमेज या कोई भी एक्सेल की फाइल कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों आर्टिकल में कुछ ना कुछ हो, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं जरूरत तो अगर नहीं है शेयर करने की। तो सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल कोटेशन नंबर इसके रेफरेंस में मेरी ये अटैचमेंट्स कनेक्ट हो गई हैं बैकेंड में एंड मैं यहाँ पर जाके सिर्फ सेलेक्ट करूँगा सेव, तो ऑटोमेटिकली आपको मैं दिखाऊंगा मेरी ईमेल आईडी पे मेल आ गई है। जैसे आप नीचे देख पाएंगे नीचे यहाँ पे शुरू हो गया है कोड रन होना और जो जो वर्किंग हो रही है वो कोड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नोटिफाई करता रहेगा। प्लीज़ वेट वाइल वी सेंडिंग ईमेल टू दिस राइट, कोटेशन सक्सेसफुली जनरेटेड ओके। और आप देखेंगे अभी सारा डेटा यहाँ से नीट एंड क्लीन हो गया। बेसिकली अब मैं चलता हूँ एक बार आपको अपनी मेल दिखाता हूँ कि मेल में मेरे को जो आया है कोटेशन वो कैसा है। सो दिस इज़ माई मेल, आप देख पाएंगे मैंने वहाँ पे क्लिक किया और इंस्टेंटली मुझे यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सबमिट किए थे अपलोड किए थे वो मुझे यहाँ पर आ गए हैं। तो डियर स्मार्ट आई टी बॉक्स, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन एडवांस एंटरप्राइजेस, ये कंपनी की तरफ से मुझे एक मेल आ गया है जिसमें जो कोटेशन हमने बेसिकली बनाया था उसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली अटैच है। जैसे कि आप देख पाएंगे पीडीएफ में जो डिटेल्स सबमिट हुई हैं जनरेट हुई हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है विद ऑल द डिटेल्स, लाइक डिस्काउंट 4% है एंड फ्रेट 2500 रुपीज़ है, टोटल अमाउंट है वो न्यूमेरिकली प्लस वर्ड्स में दोनों में मैंशन है राइट गाइज। सो बेसिकली ये हो गया कोटेशन सिस्टम। डायरेक्टली चलते हैं एक बार हम कोटेशन से, अगर ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है तो ऑर्डर कन्फर्म होने पर पीआई कैसे जनरेट करेंगे। तो मैं वापस चलता हूँ इंटरफेस पे एंड आप देखें ये कोटेशन सिस्टम था राइट। अब चलते हैं इसको क्लोज करते हुए पीआई सिस्टम पे, तो बेसिकली मैंने क्लिक किया तो ये मेरा आ गया है पीआई सिस्टम। तो आप देखेंगे जो भी कोटेशन मैंने जनरेट किया हुआ है बैकेंड में सेम उसी के रेफरेंस में मैं यहाँ पे पीआई बना पाऊंगा। अगर कोटेशन बना है तो ही पीआई बनेगा, एल्स पीआई आप नहीं बना सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ड्रॉपडाउन में दिया हुआ है कोटेशन नंबर, तो आप देख पाएंगे इतने कोटेशन पेंडिंग है राइट। मेरा कोटेशन नंबर 62 था, मैं वेट करूंगा 62 के लिए, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट कोटेशन डेटा तो ऑटोमेटिकली, बाय द वे कोड बैकेंड में ऑटोमेटिकली रन होता है एवरी 2 मिनट्स 3 मिनट्स में कोड रन होता है, सारा डेटा रिट्रीव करके ला देता है। आप देखेंगे पहले सिर्फ 1 आ रहा था, अभी 2 नहीं आ रहा था, 62 पहले नहीं आ रहा था, अब 62 आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे जो हमने कोटेशन में डिटेल सबमिट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी फिल्ड होकर आ जाएगी राइट। एग्जिस्टिंग कोटेशन डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली ओके। तो आप देखेंगे जो भी डेटा हमने वहाँ पे कोटेशन बनाया था वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब बस आपको यहाँ पे पीओ नंबर्स वगैरह डिफाइन कर दें कि लाइक इस क्लाइंट से मुझे क्या पीओ आया, तो देखेंगे आप यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पीओ की जेन्युइन कॉपी मेरी कनेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोटेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया एंड मैं एक जेन्युइन कॉपी अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइज लाइक मैंने यहाँ पे लिंक ऑफ अलाउड कर दिया है, लिंक टू अलाउ करके एंड सबमिट किया राइट। क्लाइंट का पीओ क्या है, तो सपोज मैंने क्लाइंट का पीओ नंबर डाल दिया स्मार्ट आईटी बॉक्स /001 एंड मैंने सबमिट कर दिया। वापस चलता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस पे, तो
तो यहाँ पर देखेंगे आप, मेरा ग्रीन आ गया है, कनेक्ट हो गया है, राइट। सारी डिटेल्स प्रॉपर पहले की तरह प्रीफिल्ड होके आ गई हैं विद ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ गई है, राइट। तो बेसिकली अभी हमारी जो पेमेंट होगी, पेमेंट इसी के बिहाफ पर होगी, तो मैं यहाँ पे जाके सबमिट कर देता हूँ, लाइक सेव। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फिर से परफॉर्मा इनवॉइस बनना शुरू हो गया है, और जो भी सिस्टम बैकएंड में वर्क कर रहा है उसका नोटिफिकेशन मुझे साइड में आ रहा है बाय टोस्ट। सो ईमेल हैज बीन सेंड टू द सीईओ एट द रेट स्मार्ट आईटी बॉक्स डॉट इन, परफॉर्मा इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेटेड, रेफरेंस नंबर PI02। ओके, आप देखेंगे मैंने ओके किया, नीट एंड क्लीन हो गया। मैं वापस चलता हूँ मेरी ईमेल आईडी पे, तो मैं वहाँ पे दिखा पाऊंगा कि जो मुझे मेल आया वो क्या मेल है। सो ये फर्स्ट मेल था कोटेशन का। नाउ हम सेकेंड मेल देखते हैं। सो PI स्मार्ट आईटी बॉक्स PI राइट 02। तो ऑटोमेटिकली इस तरह में वो एक PI की मेलिंग फिर से आ गई है, डियर स्मार्ट आईटी बॉक्स काइंडली गो थ्रू विद द परफॉर्मा इनवॉइस नंबर PI02 विद द रेफरेंस ऑफ कोटेशन नंबर AEKH21220662। इसी कोटेशन के रेफरेंस में हमने PI02 जनरेट किया हुआ है। कॉपी ऑफ PO, जो बेसिकली क्लाइंट ने हमारे को PO शेयर किया था, उसकी कॉपी भी हमने अटैच करवाई है, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो इन प्राइसिंग और क्वांटिटी, राइट। जो भी हमने अटैचमेंट किए थे, लाइक PI की कॉपी तो ऑटोमेटिकली आएगी, सेकेंडली जो भी PO हमने अपलोड किया था उसकी अटैचमेंट भी हमारे को बैकएंड में नीचे आई है, राइट गाइस। तो कोटेशन बनाया, कोटेशन से हमने PI बनाया, PI कंफर्मेशन हो गया, अभी हम ऑर्डर कैप्चर करेंगे। सो ऑर्डर कैप्चर के लिए हम वापस चलते हैं इंटरफेस पे। सो गाइज, दिस इज अ ऑर्डर कैप्चर इंटरफेस। इसमें सिंपली आपको याद है कि आपने किस PI के रेफरेंस में आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं। सो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आप परफॉर्मा इनवॉइस पे जाके देखेंगे, तो जिस जिस के आपने PI बना दी है कोटेशन के रेफरेंस में, वो कोटेशन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। तो आप देखेंगे 62 का हमने बना दिया, तो 62 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं ऑर्डर कन्फर्मेशन में, तो ऑर्डर कंफर्मेशन में भी आप देखेंगे यहाँ पे कि परफॉर्मा इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव होकर आ जाएगा। तो अभी PI नंबर 01 आ रहा है, बेसिकली हमने जो PI जनरेट किया वो PI नंबर 02 है हमारा, राइट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें कि हमारे को 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट के अंदर हमारा डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। सो वापस आप देखेंगे हम इस पर अगर ड्रॉपडाउन पे क्लिक करते हैं, तो पहले PI नंबर 01 आ रहा था, अब PI नंबर 02 भी हमारा मेंशन हो रहा है। PI नंबर 02 पे मैं क्लिक करूंगा, तो परफॉर्मा इनवॉइस नंबर बेसिकली पहले किसका बनाया था मैं वो भी दिखा देता हूँ। परफॉर्मा इनवॉइस 2 बना था हमारा स्मार्ट आईटी बॉक्स के नाम से। अब स्मार्ट आईटी बॉक्स का सारा डेटा रिट्रीव हो क्या जाएगा, बट उससे पहले यहाँ पे एक जो ऑर्डर कंफर्म करेगा वो अकाउंट्स का पर्सन है। सो उसको एक मैसेज आ रहा है कि द ऑर्डर हैड बीन ऑर्डर डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, प्रोसीड फॉर ऑर्डर कन्फर्मेशन, काइंडली कन्फर्म पेमेंट टर्म्स 30% एडवांस एंड बैलेंस बिफोर डिस्पैच। सो बेसिकली अकाउंट टीम जब तक कन्फर्म नहीं करेगी, अकाउंटेंट कन्फर्म नहीं करेगा कि 30% पेमेंट रिसीव हो गई है, तब तक ये ऑर्डर कैप्चर नहीं होगा। सो सपोज अकाउंटेंट ने कह दिया ठीक है ऑर्डर कैप्चर्ड, और यहाँ पे ऑथराइजेशन हम दे देंगे। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ एज अ अकाउंटेंट, मैं कहता हूँ कि ठीक है मुझे इसका 30% पेमेंट रिसीव हो गया, तो ओके। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑथराइजेशन पे क्लिक किया, तो मेरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा विद द सेम PI नंबर, PI नंबर 02, एंड PI नंबर 02 के रेफरेंस पे ही हम काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब मैंने PI नंबर 02 सेलेक्ट किया था, ऑर्डर एक्नोलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, क्लाइंट का नेम एंड जो PO की कॉपी थी जो बेसिकली क्लाइंट ने हमारे को शेयर की थी, उसका नाम था लिंक्स टू अलाउ। तो बेसिकली आप देखेंगे लिंक्स टू अलाउ ही हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिट्रीव होकर आ गया। अब अकाउंट्स की तरफ से क्या स्टेटस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा, तो कैसे होगा आप देखेंगे। मैंने ऑथोराइजेशन पे क्लिक किया, मैंने कहा PI नंबर 02 एंड पेमेंट स्टेटस में रिसीव करता हूँ मैं। अब मैं रिसीव में कर देता हूँ, सपोज मेरे को 1 लाख अगर PI है, तो सपोज मैंने 30,000 रिसीव कर लिया है एंड ऑथराइज्ड, राइट। स्टेटस में ऑथराइज्ड हमने मेंशन कर दिया, दैट मीन्स कि ठीक है अकाउंट्स की तरफ से अप्रूव हो गया है, इसको हम आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। सो गाइज आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ऑथराइज पे क्लिक किया, तो मेरा ऑथराइज्ड में मैंने 30,000 रिसीव कर लिया एंड ऑथराइज लिखा हुआ आपके आ गया। रेस्ट सारी डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड है। सेकंडली एक चेक पॉइंट रहता है कि जब ये मटेरियल डिस्पैच होगा, तो उस टाइम चेक पॉइंट्स में क्या क्या मेंशन ध्यान देना है। तो आप देखेंगे मेरा एक्नोलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने चेक पॉइंट्स डिफाइन कर दिए और मैं सबमिट कर दूंगा इसको। अब देखेंगे मेरे चेक पॉइंट्स आप सारे के सारे अपडेट हो गए यहाँ पे। अब मैं इसको फाइनलाइज सबमिट कर देता हूँ, तो मैं सबमिट करूंगा तो मेरी एक मेल एक्नोलेजमेंट ही क्लाइंट को चली जाएगी, और एक मेल मेरी चेक लिस्ट के लिए मेरी टीम को चली जाएगी, जिससे कि मेरी टीम जब डिस्पैच करेगी तो उसमें ये सारे चेक पॉइंट्स मेंशन होंगे कि क्या क्या ध्यान देना है, और क्लाइंट को चली जाएगी कि ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया है विद दीज चेक पॉइंट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है, प्लीज वेट व्हाइल बी फेचिंग डेटा। डेटा बैकएंड में आप देख पाएंगे गाइस स्टोर करा दिया।
तो आप देखेंगे गाइस डेटा बैकएंड में स्टोर करा दिया एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स को मेल भी शेयर कर दी गई है। सो बेसिकली जो मेल है वो आप देख पाएंगे कि क्यूसी को मेल जा चुकी है और बैकएंड टीम को किस किस को मेल गई है। तो आप देखेंगे कि अब मैं चलता हूँ मेरे ईमेल आईडी पे, जो मेरा स्मार्ट आईडी बॉक्स आईडी है उस पर मैं आपको देख पाऊंगा कि यहाँ पे मेरा कोटेशन का मेल आया था मुझे, जो मैंने आपको दिखाया था। सिमिलरली पीआई का मेल आया है, राइट। उसके बाद जब ऑर्डर कंफर्म हो गया तो मुझे ऑर्डर कंफर्म का मेल आया। डियर सर, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड विद अस, डिटेल्स आर मेंशन बिलो, राइट। तो जो ऑर्डर कंफर्म हुआ है वो ऑर्डर कंफर्म में आप देख पाएंगे नीचे, मैं कर क्लिक करता हूँ तो मेरा कंफर्मेशन आ गया। इस ऑर्डर कंफर्मेशन में क्या क्या डिटेल्स है आप देख पाएंगे, सारी डिटेल्स मेंशन है। एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट, पीआई नंबर, डेट क्या है, एक्नोलेजमेंट नंबर क्या है, किसने कंसर्न पर्सन कौन है शैलेंद्र, क्लाइंट का नाम क्या आ गया स्मार्ट आईटी बॉक्स, पीओ यूआरएल। तो आप देखेंगे बेसिकली जो पीओ यूआरएल है क्लिकेबल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो ओरिजिनल कॉपी मैंने अटैच की थी पीओ की वो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, पीडीएफ में भी क्लिक डाउनलोड कर लेते हैं और क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग करेगा। तो ये देखिए, ये मैंने कॉपी अपलोड की थी तो मेरी ये ओपन हो रही है। सिमिलरली जो चेक पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे, क्यूसी सर्टिफिकेट चाहिए, सीओए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वायरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड गारंटीड सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन सब कंडीशंस के साथ, टर्म एंड कंडीशन के साथ हमने ऑर्डर आगे प्रोसीड कर दिया। ऑर्डर की वैल्यूएशन क्या है वो भी आप देख पाएंगे। सो गाइज, ये है हमारा ऑर्डर कोटेशन, ऑर्डर कोटेशन सॉरी कोटेशन कोटेशन टू परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस टू ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। सो गाइज, एक ही इंटरफेस के थ्रू आप एट द सेम टाइम विद इन अ 2 to 5 मिनट्स के अंदर आप एक कोटेशन की इंक्वायरी, इंक्वायरी से रिलेटेड आप एक कोटेशन, कोटेशन से आप पीआई और पीआई से आप एक ऑर्डर कंफर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।